हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करिवा से भक्त कवि मधुसूदन रावंकर कविता आकाश प्रीति। तार किसी सॉर्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आसी। जदि आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिया पई चाहूँ देखी नहांती ताले आपण आम चैनल को जाई विजिट कर प्लेलिस्ट रे देखिपारे, ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दीजिए, आपण जाई देखिपारे। एवं वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व एक छोट अनुरोध करी, जदि आप आम चैनल को नुआ विजिट कर आगक ये टॉपिक रो वीडियो सब पाइबापी और यार नोट्स सब पाइबापी आप सब्सक्राइब कर रखु आम एम एस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को, जहाँफल जिते बड़े मुझे वीडियो अपलोड करी आप सर्वप्रथमें वीडियो पाइपारे। चलो आम वीडियो टी स्टार्ट करवा। आकाश प्रति कवितार कवि किए? भक्तकवि मधुसूदन राव आकाश प्रति कवितार कवि भाव परिचित अटंती। भक्तकवि मधुसूदन राव केबे जन्मग्रहण करते पितांकर नाम कौन थिला? 1903 साल जनवरी 29 तारीख श्री पंचमी दिन भक्तकवि मधुसूदन राव जन्मग्रहण करते। पितांकर नाम थिला भगीरथी राव और माता नाम थिला अंबिका बाई। मधुसूदन द्वारा रचित केतोटी कवितार नाम लेख? जीवन चिंता, ऋषि प्राणे देवता अवतरण, हिमाचल उदय उत्सव आदि उच्च प्रशंसित कविता जहाँ ओडिया साहित्यर गोटे गोटे जुगांतकारी सृष्टि। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में मधुसूदन क्यों पुस्तक ओडिशार पुरपल्ली सर्वाधृत? मधुसूदन वर्णबोध ओडिशार प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक जुगांतकारी सृष्टि। आकाश प्रति कविताटी केतोटी पदरे बा अंशरे विभक्त करा जायछि? 22टी पदरे बा अंशरे विभक्त करा जायछि। सूर्य चंद्र और तारा ए समस्त सृष्टि हेबा पूर्वर जगत किपरि थिला बोली कवि वर्णना करिछन्ति। जगत सृष्टि हेबा पूर्वर कथा स्मरण करी कवि कहिछन्ति, समय अनुसार समस्त सृष्टि होइछन्ति। ए समस्त सृष्टि हेबा पूर्वर समग्र सृष्टि केवल अनंत अंधकार रे परिपूर्ण थिला। सर्वशून्य एवं अनंत अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड रे केउ जनक विद्यमान थिले? सर्वशून्य एवं अनंत अंधकारपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में केवल जड़े विद्यमान थिले, सी होती सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर। से आदि अनादि परात्पर एवं परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मुनि ऋषि माने क्यों रूप से ग्रहण करती? भगवान चैतन्ययुक्त अर्थात अनंत कालरु जाग्रत अवस्था रही मुनि ऋषि माने ब्रह्म रूप से ग्रहण करती। तांकु जानिबा मनुष्यर ज्ञानातीत हेतु से सनातन अटंती। प्रशांत बा निःशब्द महाश्रोतरे केतेबेले तरंग सृष्टि हला? निःशब्द अंधकारपूर्ण समग्र सृष्टि सृष्टिकर्तांकर आदेश रे महाकाल स्रोतर जलभाग रे हठात प्रथम तरंग सृष्टि होइतला। परात्पर परमेश्वर परमात्मा परमेश्वरंक आदेश रे आकाश बक्ष रे कौन उद्भासित है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर आदेश रे आकाश बक्ष रे आलोकर द्युति उद्भासित है। अनंत अंधकार परिपूर्ण आकाश रे आलोकर प्रथम प्रकाश किपरि देदीप्यमान दृश्यमान होता? शिवंकर मस्तक केशराशि मध्य मंदाकिनी शुभ्र स्रोतर प्रवाह प्रत्ययमान है परिदृश्य होता। पृथ्वी को देखा सहित पृथ्वी में थिबा जल स्थल एवं वायु प्रभृति को किए प्रथमे अवलोकन करिछि? कोटि कोटि सुंदर संसार को प्रथमे महाकाश अवलोकन करिछि। हिमालय परी समुच्चगिरी श्रेणीर उत्थान और नद नदीर उद्भव को प्रथमे किए देखिछि? सृष्टिर प्राकृतिक संग्राम विभीषिका समुच्च हिमालय नद नदी को आकाश प्रथम थर पर अवलोकन करिछि। आकाश पृथ्वी में सृष्टि होता क्यों जीवर जन्म रहस्य देखिए? पृथ्वी में प्रथम मनुष्य केबे जन्म ग्रहण कला से विषय केवल आकाश छड़ा अन्य केही कही पारे ना, तेणु विधाता सृष्टि आकाश ही सर्वदर्शी। आकाश क्यों गुड़ी को गंभीर भाव पर्यवेक्षण कर जगत में दुर्बल उपर हो सबल अत्याचार जातना और निर्यातना एवं कठोर निर्मम प्रताड़ना सबको आकाश गंभीर भाव पर्यवेक्षण कर।
आकाश कहार नित्य लीलार भावभूमि भाव परिचित। जगतरे कविता सुंदरी नित्य लीलाभूमि भाव आकाश सुपरिचित। कवितार सौंदर्य प्रकाश पाई थाए आकाश बक्ष जात हो सौंदर्य लीला कवितार उपजीव्य होता है। कहार समावेश आकाश सौंदर्य उद्भासित होता है। नक्षत्र और चंद्रर समावेश आकाश सौंदर्य उद्भासित होता है। केतेबेले धरापृष्ठ आनंद उल्लसित हो उठे। रात्रीर अंधकार को दूर करी जेतेबेले उषार आगमन हुए सेतेबेले आलोकर प्लावन घटे। हस हस मुखरे आलोक नंदिनी उषा जेतेबेले भक्तिपूर्ण अंतर आकाशर पदवंदना करे सेतेबेले समग्र धरापृष्ठ आनंद उल्लसित हो उठे। संध्या परे आकाश को क्यों माने मंडन करती। संध्या परे धीरे धीरे चतुर्दिग अंधकार पूरी थाए। संध्या परे आकाश पक्ष को तारा माने मंडन करती। मनुष्य मनरे केतेबेले कहा को देखी भयातुर भाव सृष्टि हुए। रात्रीर समय आकाश एपरी निरवतार मंत्र मंत्र प्रचार करे जे ताहाको भयातुर मनरे समग्र विश्व शुणी थाए। रात्रि समय आकाश एपरी रूप धारण करथाय जे ताहाको देखिले मनुष्य मनरे भय जात हुए। आकाशर केउ रूपक कवि भुवन मोहन रूप भाव वर्णना करछन्ति। आकाशर नीलकळेबर चंद्रिका बळा होइ जे रूप धारण करथाय ता प्रशांत पवित्र ओ भुवन मोहन अटे। आकाशर एही मनोहर रूपश्री देखिले कलुषित मन पवित्र होइथाय। धरणी राणीर हस को कहार हस सहित समान बोली कवि कहिछन्ति। गभीर निशी थरे आकाशरे महामूर्ति को स्वप्नरे देखी महानंदरे विभोर होई नीरवरे हास प्रकाश करथाय। धरणी राणीर एही आनंदोच्छास हास को सुप्त शिशुर स्वर्गीय स्वप्न दर्शन जनित आनंदोच्छास सहित समान बोली कवि कहिछन्ति। कवि काहा को मनीषर शिक्षादाता भाव चित्रित करछन्ति। मनीषर शिक्षादाता भाव कवि आकाश को चित्रित करछन्ति। तो एठारे आमर समाप्त होइछि आकाश वृत्तिर किछि शॉर्ट क्वेश्चन। आगो को एभली सब टॉपिक रो वीडियो एवं नोट सब पाया पई आपन सब्सक्राइब कर रखंतु आम एमएस ओडी ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। धन्यवाद।